तो आप सभी वही फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त। ये एक प्राउड मोमेंट है और सैल्यूट करना चाहूंगा सभी एयरफोर्स जवान को और इंडियन गवर्नमेंट को और मोदी सरकार को कि एग्जैक्टली जो जनता चाह रही थी वही उन्होंने किया, बट 2 से 4 दिन ज्यादा लिए। जिस समय ये न्यूज पढ़ी मैंने और मैं भी और मेरा भी रिएक्शन और अच्छा और खुशीमय हो गया कि उन्होंने 40 मारे थे, हमने मोर देन 200 या 250 मारे हैं और ठिकानों पे मारे हैं ढूंढ ढूंढ के और बिना परमिशन के एलओसी पार करके मारे और 3:30 से 4 बजे के बीच में उनको पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद तो पाकिस्तान को पता लगा कि ये हुआ है। तो ये देखो कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करी होगी और कितना सही पूरी हर चीज मोमेंटम के साथ बनाई होगी और उसके बाद ये काम किया एयरफोर्स ने। इट मींस दिल से सल्यूट करना चाहता हूं और आप सभी भी वही फील कर रहे होंगे जो मैं अभी फील कर रहा हूं। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन सिटीजन क्योंकि जिन्होंने देखा था और हम सभी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो आज सक्सेसफुल हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मे भी बहुत से लोग कॉन्ट्रोवर्शियल अप कर रहे होंगे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपना रिव्यू देने आया था यहां पर तो मैंने वो दिया और मुझे अब खुशी हो रही है आप सभी की तरह कि हाँ अगर उन्होंने 40 मारे थे तो हमने मोर देन 100 या 200 मारे हैं और उनके हर एक ठिकाने को ढूंढा और उसके बाद मारा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हर एक इंडियन सिटीजन के लिए। मे भी हम लोग उन सभी 40 लोगों की फैमिलीज को वो लोग वापस नहीं दे सकते, बट वो भी इस वक्त प्राउड फील कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए, एंड आई सल्यूट मोदी कि उन्होंने कुछ एक्शन लिया और उसकी वजह से ये आज हमें एक अच्छा अचीवमेंट मिला जिससे इंडिया भी प्राउड करेगा और हर एक सिटीजन भी प्राउड करेगा अपने आप पे कि अगर हमारे साथ कोई लड़ता है तो हम स्टे बैक नहीं करके उनको वापस उसी तरीके से बताते हैं कि कैसे अगर आप लड़ोगे तो हम भी आपको जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच, ये एक प्राउड मोमेंट है। अगर आपको वीडियो लाइक करना है तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड योर यूलिप पॉलिसीज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।